स्टार्ट नया शिक्षा सत्र दस्तक दे रहा है शिक्षा विभाग, प्रशासन, मीडिया, शिक्षा संस्थानों और गैर सरकारी संगठनों के समक्ष चुनौती है कि शिक्षा का अधिकार कानून के तहत किस तरह प्रतिष्ठित विद्यालयों में दुर्बल आय वर्ग परिवारों के बच्चों का दखल सुनिश्चित करवाया जाए। यह कानून लागू हुए कई साल हो गए, यद्यपि अभी भी यह साधनहीन परिवारों के बच्चों को उत्कृष्ट श्रेणी की शिक्षा दिलाने की मंशा से बहुत दूर है। अधिकतर प्रतिष्ठित विद्यालयों ने 25% सीटें साधनहीन परिवार के बच्चों के लिए आरक्षित करने की कानून व्यवस्था अब तक सच्चे मन से स्वीकार नहीं की। इससे बचने के लिए वे तरह तरह की फर्जी आंकड़ेबाजी और बाकी कवायद करते हैं। विडंबना यह है कि सब कुछ जानते हुए भी शासन प्रशासन इन स्कूलों की गर्दन पर हाथ नहीं डालते। इसकी प्रमुख वजह यह मानी जाती है कि स्थानीय बड़े प्रशासनिक अधिकारियों के बच्चे इन स्कूलों में पढ़ते हैं और कई अधिकारियों के निकटस्थ परिवारजन इन स्कूलों में शिक्षक की भूमिका पाकर उपकृत रहते हैं। जाहिर है कि यह घुमा फिराकर भ्रष्टाचार है, जिसके लिए साधनहीन मेधा की बलि चढ़ाई जा रही है। खुद सर्वोच्च न्यायालय कई बार स्कूलों और शासन प्रशासन को इस कानून का पालन करने के लिए सख्त निर्देश दे चुका है। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में इसकी अवहेलना जारी है। यह जिला अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे न सिर्फ अपने जिले के संबंधित विद्यालयों में शिक्षा के कानून के तहत आरक्षित सीटों की संख्या सार्वजनिक करवाएं, बल्कि इन सीटों पर दुर्बल आय वर्ग वाले परिवारों के विद्यार्थियों का दाखिला भी सुनिश्चित करवाएं। कानून के दायरे में आने वाले विद्यालयों को बाध्य किया जाए कि वे खुद इस बारे में जानकारियां सार्वजनिक करें। सीटें भर जाने के बाद यह जानकारी भी सामने आनी चाहिए कि किन विद्यार्थियों को दाखिला दिया गया है। इस बात से शायद ही कोई असहमत हो कि शिक्षा के जरिए ही सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक विषमता मिटाई जा सकती है। इस दृष्टि से शिक्षा का अधिकार कानून रामबाण है। सबकी जिम्मेदारी है कि इस कानून का 100% पालन हो, ताकि साधनहीन परिवारों के विद्यार्थियों को अपनी मेधा के जरिए आगे बढ़ने का अवसर मिल सके। यह राहत भरी खबर है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने यह घोषणा कर दी कि भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान को रिहा कर दिया जाएगा। पाकिस्तानी संसद में इस आशय की घोषणा करते हुए उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि वह ऐसा शांति की पहल के तौर पर करेंगे। यह सही है कि पाकिस्तान जिनेवा संधि का पालन कर रहा है, लेकिन यह मानने का तो सवाल ही नहीं उठता
कि वह शांति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखा रहा है। अगर पाकिस्तान शांति के प्रति तनिक भी समर्पित होता तो वह जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन को संरक्षण देने के साथ ही ऐसा न करने का बहाना नहीं बना रहा होता। यदि इमरान खान और उनका नया पाकिस्तान शांति का सचमुच पक्षधर है तो उसे जैश सरगना मौलाना मसूद अजहर को उसके सुरक्षित ठिकानों से निकालकर भारत के हवाले करना चाहिए। उसे जैश और लश्कर सरीखे आतंकी संगठनों पर पाबंदी लगाने का स्वांग करना भी छोड़ना चाहिए। वह एक अरसे से न केवल यही कह रहा है बल्कि दुनिया से छल भी कर रहा है। इसी कारण अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस आदि देशों को बार बार यह कहना पड़ रहा है कि वह अपने यहाँ के आतंकी ढांचे को नष्ट करे और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स उसे क्रय सूची से बाहर नहीं कर रहा। हैरत नहीं कि अभिनंदन को रिहा करने के फैसले के पीछे पाकिस्तान का मूल मकसद दुनिया को अपना नकली चेहरा दिखाना और अंतर्राष्ट्रीय दबाव से मुक्त होना हो। एक अन्य मकसद भारत के आक्रामक तेवरों से पिंड छुड़ाना भी हो सकता है। सच्चाई जो भी हो, भारत को उसके नए झांसे में बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि वह शांति का संदेश देने के लिए भारतीय पायलट को छोड़ने जा रहा है। अभिनंदन की वापसी की प्रतीक्षा के साथ हम भारतीयों को इसका भी भान होना चाहिए कि उन्होंने पुराने माने जाने वाले युद्धक विमान MiG-21 के जरिए कहीं अधिक उन्नत किस्म के पाकिस्तानी लड़ाकू विमान F-16 को ध्वस्त करने का जो शौर्य दिखाया, वह भारतीय वायुसेना और उसके पायलटों के युद्ध कौशल का एक ऐसा अप्रतिम प्रमाण है जिसे पाकिस्तान आसानी से नहीं भूल सकता। भारत को ऐसे जतन जारी रखने चाहिए जिससे पाकिस्तान इस भारतीय योद्धा के पराक्रम के साथ यह भी न भूल सके कि अगर उसने अपने आतंकियों को सहारे उसे तंग करने का सिलसिला कायम रखा तो बालाकोट दोहराया जा सकता है। धन्यवाद।